الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على ياسين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود السلام بابا جی بلند الصلاة والسلام. थोड़ी जी आवाज बारीक करें. करबल विच करबल वालियां, रिपीट नहीं, हल्की रखी अज रिपीट, बस वालियम बढ़ाई रखी. करबल विच करबल वालियां, करबल नु नजारा दे छड़िया. शाह सबई दराज सैयदादे ने सीद शाह जी आज बैठो. करबल विच करबल वालियां, करबल नु नजारा ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया. ज़ैनब ने सामने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया. सैयद ने आखिया जालिमानू बंद कर लो बेशक असी ना तसियां बालानू कौसर दा किनारा दे छड़िया. असी ना तसियां बालानू कौसर दा किनारा दे छड़िया. सैयद ने खला के करबल
ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਆਖਿਆ ਦੀਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਘਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ करीम आका अली सलात व सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद सदर जी वकार मेहमाना ने गिरामी मेहमान ने खसूसी जी वकार उलमाए किराम शुरकाए तकरीब मुकद्दस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस महफिल पाक के अंदर फख्र शादात पीर तरीकत लहबर शरीयत हजरत किबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहेब दामत बरकातुहू लालिया ने फाजिल शहीद अखीय कबीर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आसिम अली चिश्ती साहिब दा मोहब्बतनामा नाज़िम आला जामिया सुफ़तुल मदीना दा मोहब्बतनामा बंदे ना चीज तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती मेरे मशलक दे अजीम उलमाए किराम कसीर तदार दंदर तशरीफ फरमाने सब मेरे सिर दा ताज ने बिलखसूस उस्तादुल हुफाज वल कुर्रा यादगार इस्लाफ मंजूर नजर हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज जनाबे हजरत किबला कारी मोहम्मद शरीफ सियालवी साहेब सल्लमहू आप भी तशरीफ फरमाने जनाबे सैयद सियाद शाह साहेब चक काजी तो तशरीफ लियाए सैयद बिलाल शाह साहेब तशरीफ लियाए जनाबे मोहतरम भाई मोहम्मद इशफाक साहेब और नहायत इज्जत लायक शख्सियत बरादर अकबर आशिक रसूल जनाबे मोहतरम अब्दुल रसूल साहेब दीगर जितने हुजूर दे गुलाम तशरीफ फरमाओ बिलखसूस जामे सुफतुल मदीना दे तुलबा अल्लाह करीम सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। हजरत जी वकार नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल इमाम शुहदा सैयदना हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहि सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी विलादत बासआदत जिस तरह ही हुई इधर आप दुनिया ते तशरीफ लियाए उधर आप दी शहादत दी खबर भी मेरे करीम आका अली सलातो सलाम दी बारगाह तक पहुंच गई और यही वजह है कि मेरे करीम आका अली सलातो सलाम ने हजरत इमाम हसन पाक दा मुंह और मत्था चुमना और इमाम हुसैन आली मकाम अलैहि सलाम रजी अल्लाह तआला होते गले मुबारक ते बोसा देना एक दिन सैयदतुन निशा फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की अब्बा जान अजीब प्यार दा मैं ये अंदाज देखिया है कोई बच्चियां दा मुंह चुमदा है कोई लब चुमदा है
कोई अखां चुमदा है, कोई रुखसार चुमदा है, पर मैं देख रही हूं तुसी जदों चुमे हैं हुसैन दा गला ही चुमे है, मेरे आका दी अखां चो आंसू जारी हो गए। अजे शहादत नहीं हुई, सिर्फ शहादत दी खबर मिली है, ते मेरे आका रो रहे ने। एक कैसे लोग ने कि जिन्हां नूं अज शहादत इमामे हुसैन पढ़न पढ़ाण ते तकलीफ है, कि ए नहीं पढ़नी चाहिदी, अजे ते शहादत होई नहीं, ते मेरे आका पहले रो रहे ने। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी तेनू नहीं पता एदी गर्दन ते मैं क्यों बोसा दे रहा, अब्बा जान क्यों दे रहे हो? फरमाया, बेटी एक वक्त आएगा कि जदो दीन इस्लाम दीयां बुनियादां उन्हां नूं हिलाण दी कोशिश कीती जाएगी, कुरान पाक दे अहकामात दी खिलाफ वर्जी कीती जाएगी, मेरी शरीयत दा सरेआम महाज अल्लाह मजाक उड़ाया जाएगा। उस वक्त हुसैन अपना तन मन वतन अपनी हर चीज छोड़ के मेरा शहजादा करबला दे मैदान ते जाएगा। मैं गर्दन ता चुम रहा, एक गर्दन किसे बेईमान अगे झुकेगी नहीं, नाने दे दीन दी खातर कट जाएगी लेकिन झुक नहीं सकेगी। मैं तमस्ते बोशा दे रहा, इमाम हुसैन अली मकाम अलैहि सलाम रजी अल्लाह तआला आप मस्जिद नबी शरीफ दा सेन मुबारक कच्चा है और आप तशरीफ ले आ रहे हैं, मेरे आका मिंबर ते खड़े ने, इमाम अली मकाम दे कदम दोले बच्चे सन, मेरे आका नु ख्याल आया किधरे हुसैन डिग ना पवे, मेरे मुस्तफा करीम ने मिंबर छोड़ के ना ते इमाम नु जाके अपने गले न ला लिया, सीने न ला लिया, ते इमाम ने अर्ज की थी, नाना जान तुसी आज नहीं ना डिगन दिता, मैं वादा करना जे कदी दीन इस्लाम दा चंडा डोलिया हुसैन सजदा जमीन ते करके कुरान मेरे दी नोक ते पढ़ के नाने दे दीन दा झंडा डिगन नहीं देगा, बुलंद करके जाएगा। और यही वजह है आज सारी दुनिया ते गल्लां कर दी है, इमाम हुसैन ने करबला दे मैदान ते नेदे दी नोक ते कुरान पढ़िया, नेदे दी नोक ते कुरान पढ़िया। मैं क्या कोई शक नहीं, पर मैं क्या भी ते चेक करो इन नेदे ते कुरान पढ़न दी जाच के सिखाई है ना, ना तुसी ना बोले, अजे एक टब्बर है ना बोलदा है ना, तुहानू कोई जरूरत नहीं बोलन चालन दी, अपने मालकां दा जिक्र सुन के तुसी ना बोलिया करो, तुसी सिर्फ नौजवानों उदो मुंह खोलिया करो जदों लंगर दी प्लेट आ जाए, हाँ लंगर खाने की वारी साढ़े सारे का मुंह खुल जाता है, तो जे लंगर खाने की वारी मुंह खुल सकता है ना, तो जिन्हों के नाँ का लंगर आया उन्हों का जिक्र सुन के भी खुलना चाहिए। थोड़ा जे लोग नाल बैठिया करो, मैं बुजुर्गों उलमा नहीं कहना कि तुसी बोलो जी, तुसी जिहड़े नौजवान बैठे हो मोबाइलों से चौकों से फटिया च और जनाबे वाली गलियां बाजारों च बड़ा बोलते हो, तो इत्थे बोलिया करो, इत्थे बोलिया कम आ जाएगा, उंज ते चुप रहा भी मौत आ ही जानी है। अब मीटर अगे जान दे कोई चांस नहीं कि बंदा चुप करके बैठा रहे तो मीटर अगे कोई चला जाएगा, कोई नहीं, बोलिया भी मौत आ जानी है, चुप कीते भी आ जानी है, चुप करके मौत आ गई तो पता नहीं की बनना है, जे अपने मालिकां दा जिक्र करदे आ मौत आ गई, खुदा इत्थे भी इज्जत देगा, मेरा अल्लाह अगे भी मकाम अता फरमाएगा। आइए जरा सुनिए तो मैं बात अर्ज कर रहा, मेरे इमाम अली मकाम इधर रुख फेर दे, बाकी संग ऐ मेहरबानी तकलीफ दी माजरत, इहदी आवाज मैनू आउंदी रहे बच्ची, तवज्जो है जी, आइए जरा सुनिए जनाबे वाली इमाम अली मकाम घरों बार तशरीफ ले गए, तवज्जो है मेरे वाल, जेड़े वेले मेरे इमाम तशरीफ ले आए
वापिस घर आए आके मेरे इमाम ने सैयदा तैयबा आबिदा ताहिरा ताहिदा राफिया राकिया ज़ाकिरा आलिमा फाजिला हजरत फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा दी बारगाह दे अंदर आके अर्ज की अम्मी जान मैनू भुख लगी है। सैयदा ने फरमाया बेटा बैठ जा मैं तेनू हुणे खाना देनी आ। सैयदा ने आटा कढ़िया आटा जड़े वेले सैयदा पाक गुनन लगिया आपने पहले वुदू फरमाया। सैयदा ने वुदू फरमाया बेदौका बंदा जुमला सुन के बोल नहीं सकेगा मुहब्बत आले बैत वाला जरूर बोलेगा तुसी मैं भी वुदू करने आ लेकिन तुहाडे मेरे वुदू दे अंदर हसनैन करीम दी अम्मी जान दे वुदू दे अंदर बड़ा फर्क है। कोई कह सकता जनाब फर्क की है जिन्हू समझ आ जाए मुहब्बत नाल जवाब दे आ जे बेलियो तुसी ते मैं वुदू करिए पानी तुहानू मिलू पाक कर देंदा है पर फातिमा होए ओ जड़ी वुदू करे पानी पाक फरमा देंदी। सैयदायों ने जड़िया वुदू फरमान शुक्रिया जनाबे वाली जना तवज्जो दे नाल मैनू ये बड़ी खुशी है जिन्हां दा जिक्र होण लगा उन्हां दे बच्चे भी आके बह गए ते बड़ी मुहब्बत दे नाल मैं जल्दी जल्दी मैदान करबला दी तरफ जाना चाहवांगा जो मेरी ड्यूटी है। हज़रात तो मैं फज़ाइल पढ़े जांदे रहणगे अज दे दिन तो पहलों भी पढ़े जांदे रहणे इस तो बाद भी पढ़े जांदे रहणगे ते फज़ाइल पढ़न वाले बड़े बड़े मुस्तनद उलमा बैठे ने तो मैं तो चूके एक अदना जिहा उलमा दा पावोश बरदार हाँ ते तुसी मेरी जिहड़ी ड्यूटी लाई उहदे ते पूरा उतरन की कोशिश करांगा। आइए जरा तो मैं बात अर्ज कर रहा सैयदा पाकों ने जड़िया वुदू फरमान ते जनाबे वाली पानी नू पाक फरमा देंदियां ने। अम्मी जान भुख लगी है अज भी बच्चा मां नू आके आखे अम्मा भुख लगी है मां नू सारे काम भुल जांदे ने। मैं कहना कायनात दे अंदर मावां बड़ियां ने पुत्र भी बड़े ने पर खुदा दी कसम हसनैन जिहा पुत्र कोई नहीं फातिमा जई मां कोई फातिमा जई मां कोई नहीं। आपने अर्ज की थी अम्मी जान भुख लगी है फरमाया बेटा बैठ जा मैं तेनू खाना देनी आ। सैयदा ने आटा कढ़िया ते पड़िया अज दी औरत दे की हालात ने इतने इतने लम्बे नाखून ने। जनाबी वाली मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया नाखूना दे थले नौआ दे थले पली दिए ओदे थले शैतान है। तवज्जो दे नाल दरा सुनना हाथां ते नेल पालश लगी है बावजूद भी नहीं जब तक नेल पालश लगी रहेगी ओनी देर तक हाथ पाक नहीं होंगे उन्हें हाथों के नाल हाथा गुनिया जाएगा उन्हें हाथों के नाल हांडी पकाई जाएगी जदों नपाक हाथों के नाल ये हांडी पकेगी ओ लुकमा जदों सीने विच जाएगा फिर उस सीने के अंदर इश्के रसूल का चराग नहीं बलेगा कमली वाले का प्यार नहीं आएगा। सैयदा फातिमा ने दसिया ओ लोगों अगर अपनिया औलादा मेरे बाप दे मुहब्बत वालिया बनाना चाहते हो पाक हो के रोटी खवाना तुहाडा काम है उन्होंने कमली वाले का गुलाम बना देना मेरे अल्लाह का काम है। नारा तकबीर नारा रिसालत नाराए हैदरी नाराए रिसालत गजबज के नारा जवाब नाराए रिसालत नाराए हैदरी हुसैनियत
की थके बैठे हो? हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। जड़ा नहीं आखेगा गुनाह कोई नहीं, मैं पहले ही कह चुके हैं बुजुर्गों से कहने नहीं, उठ मेरे सिर का ताज ने। वो नौजवान हाथ खड़ा करो जिन्हों का दावा कि असी हुसैन पाक के गुलाम हाँ, पक्की गल नहीं? नहीं हाथ ले कर लिया जे, ये सियासी हाथ ना चुकया जे कि वोट किधरे ते हाथ किधरे, बड़ी मेहरबानी हाथ ले कर लो। नारा बजा हुसैनियत, जिन्हों के मूहों हुसैन जिंदाबाद नहीं निकलिया उन्होंने तो कड़ी तवक्को रखी जा सकती है? फिर एक बार आखो जी हुसैन, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। हज़रात तो जनाबी वाली में बात रद करियां, सैयदा पाक ने जनाबी वाली आटा कढ़िया ते कुरान पढ़िया, सैयदा ने आटा कढ़िया ते कुरान पढ़िया, आटा गुनिया ते कुरान पढ़िया, पेड़ा बनाया ते कुरान पढ़िया। अबे करबला दी तैयारी करवाई जा रही है, सैयदा ने जनाबी वाली तवे ते रोटी नू रखिया ते कुरान पढ़िया। मेरा इमाम वेखदारिया, मेरी अम्मा कुरान पढ़ पढ़ मेरी तरबियत फरमा रही है। मेरे इमाम ने खाना खादा, खाना खान तो बाद इमाम ने दस्तार लाई, अपनी मां दे पैरां विच रखी, अर्ज कीती अम्मी जान मैं वेखदारिया तुसा आटा कढ़िया ते कुरान पढ़िया, पेड़ा कीता ते कुरान पढ़िया, तवे ते रोटी नू रखी आए ते कुरान पढ़िया। अम्मा जी तुसा मेरी तरबियत कुरान पढ़ पढ़ कीती है, अम्मा जी मेरा तुहाडे नाल वादा है कदे कुरान नू हुसैन दी लोड़ पै गई, अम्मा जान मैं जवान अली अकबर भी देंगा, जनाबे वाली अली असगर भी देंगा, आनो मुहम्मद भी देंगा, मैं कासम भी देंगा, अब्बास भी देंगा। अम्मा जान इंज गल ना बनी, हुसैन सजदा जमीर ते करेगा, कुरान मेरे दी नोक ते पढ़ के जमाने नू दसेगा, ए कुरान मेरे अब्बे अली सिखाया, मेरी मां फातिमा पढ़ाया। अदरात तो जनाबे वाली में बात रद कर रहा हूं, एक बारी तरह सारे जोक नल कह दो सुभान अल्लाह, ना ना इंज नहीं जरा प्यार नल कह दो सुभान अल्लाह। आइए जरा सुनिए, जड़े वेले मेरे इमाम ने इंज तरबियत पाई है, ज़ैनब दा वीर ते सोना शबीर, ज़ैनब दा वीर ते सोना शबीर, करबल च कीती, करबल च कीती, सबर दी अखीर, ज़ैनब दा वीर सोना शबीर, करबल च कीती, करबल च कीती, सबर दी अखीर, पढ़िए ज़ैनब दा वीर सोना। गल सुनो, गल सुनो यार, तुसी ते मेरी पार्टी दे बंदे यार, तुसी ते पढ़ो, मैं सारी दिहाड़ी तुहाडे च ही होना है, मैं बड़ी चंगी तरह जानना, तालिब इल्मां नूं लोड़ होवे ते बिला वजह पे रौला पाण गए, ना मर्जी बने ते ना पढ़न। जनाबे वाली एक बारी कह दियो जरा, सोना शबीर ज़ैनब दा वीर,
ना ना यार इंज डंडी ना मारो, जिन्हें हौली पढ़ना माफी है, जिन्हें मुंह में पढ़ना पक्की माफी है, बाकी जरा उच्चा कह देना सोना शबीर ज़ैनब दा वीर सोना। चलो चलो खाली शेर ना समझ लेना, मैं अपने आका दा फरमान पेश कर देना। एक दिन सहाबा ने अर्ज की थी, आका अगर वेखना आप नूं होवे ते आप इत्थे कोई ना होवो, ते वेखना भी आप नूं होवे ते आका की करिए किलू वेखिए। मेरे आका ने फरमाया फरमाया सहाबा अगर मैं ना मिला ते वेखना भी मिलू ही होवे। जी आका फरमा सिर तो लाके सीने तक हसन वेख लेना, सीने तो लाके पैरा तक हुसैन वेख लेना। फरमाया एला तुवानू इकट्ठा खड़ा करोगे विच मुहम्मद दी तस्वीर नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत। हजरात तुम्हें बात रद्द कर रहा हूं, एक बार फिर जरा दौक मिल के सुभान ए इमाम हुसैन। मेरे आका ने फरमाया हुसैन मेरे चो, मैं हुसैन चो, मैं हुसैन पाक चो। हजरात नाना जान नाल कीता वादा वफा करन दी खातर मेरे इमाम तवज्जो है, मदीना पाक के गवर्नर ने मुख्तसर करके एक जुमला कह के अगे चलना। यजीद का खत आ गया कि हुसैन इबने अली को मेरी बैत ली जाए, जिमें भी हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है मेरी बैत ली जाए। मदीने के गवर्नर ने मेरे इमाम नूं अर्जी भेजी कि हुजूर अगर इजाजत दियो ते मैं आप दे दरे दौलत ते हाजिर हो जाना, अगे जिस तरह आप दी मर्जी है। आपने फरमाया नहीं, उन्हें मेरा पैगाम दियो कि मैं इशा दी नमाज पढ़ के मैं मदीने दे गवर्नर नूं आपने फरमाया मैं तेरे कोल आ जावांगा, मैं तेरे कोल आ जावांगा। तवज्जो है जी मेरे वाल। मेरे इमाम ने फरमाया मैं तेरे कोल पहुंच जावांगा, केड़ी नमाज पढ़ के? उच्चा बोलो यार अजे नहीं टाइम, नया टाइम उंज नेड़े हो गया नमाज दा। केड़ी नमाज पढ़ के? इशा दी नमाज पढ़ के। पता लग गया जिन्होंने हुसैन पाक नूं अपना पीर मन्ने है ते नमाज दे कदी नेड़े नहीं लगे, ओ गवर्नर सुन लैन मेरा हुसैन ते नमाजी सी। फरमाया मैं इशा दी नमाज पढ़ के तेरे कोल आ जांगा। आप तशरीफ लै गए, उन्हें अगे जाके जनाबे वाली खत रखिया। मेरे इमाम ने पढ़े ओदे ते लिखी सी बैत जितनी जल्दी हो सकता है मेरी बैत ले जाए हुसैन इबन अली को। आपने खत दे टुकड़े किते, गवर्नर हाउस च रख के ना आपने उत्ते पैर रखिया। फरमाया ए हाथ मेरे नाने चुमे ने, फरमाया ए पाक हाथ किसे नापाक और पलीद हाथां विच नहीं जा सकते। मेरे इमाम वापिस आए, सीधा कमरे विच चले गए, दरवाजा बंद। शहजादा अली अकबर ने एक बारी दरवाजे ते दस्तक दिती, कोई जवाब नहीं। दूसरी दस्तक दिती, कोई जवाब नहीं। शहजादा दौड़िया दौड़िया पुफी जैनब दे दरवाजे ते गया, पुफी अम्मा अब्बा जी आए ने ते कमरे ते दरवाजा बंद है, बाहर नहीं पै आंदे, तुसी आओ ना। पाक बीबी तशरीफ लियाईया, दरवाजा खोलिया। इमाम फरमाया पैना दरवाजा बंद कर दे, मैं तेरे नाल गल करनी है। जी भाई जान केड़ी गल है? फरमाया वेला आ गया, नाना जान दा फरमान पूरा होने दा वक्त आ गया है। भाई जान किस तरह? फरमाया मेरे नाना जान ने जो जो फरमाया सी वो मैनू अज उहदा खत आ गया यजीद पलीद दा, और जनाबे वाली वो वक्त आ गया है कि मैनू बुलाया जा रहा है ते मैं जाना ही जाना है, मैनू इजाजत दियो। पाक बीबी कहन लगी वीरा एक मिनट इत्थे ठहर, मैं हुणे आई। आप गईयां ते दो कपड़े इंज कपड़े दे अंदर पंडोकली बनाई है बच्चे नाल ने, ते लै के आ गईयां। भाई जान
जे तुसी अली दे पुत्तर हो ना तो मैं भी अली दी तीआं मैं वीर नूं कल्लिआं नहीं जाण देआंगी मैं अपने वीर दे नाल जावांगी। हज़रात फिर मदीना पाक दे अंदर वक्त नहीं कि किस तरह मेरे इमाम ने नाने दे रौदे ते हाजरी दिती अम्मा फातिमा दे जनाबे वाली कबर ते हाजरी दे के मेरे इमाम जड़े वेले मक्का पाक पहुंचे इमाम मक्का पाक पहुंचे ते सहाबा फरमान लगे हुसैन कूफी बड़े बेवफा ने इन्हां ते इतबार ना करना। मेरे इमाम फरमाया तुसी जो मर्जी कर लो मैं जाना ही जाना है। उन्हें क्या हुसैन इंज ना कर तेनू इन्हां दी आदतां दा नहीं पता। फरमाया तुहानू ये नहीं पता कि मेरे नाना जान ने मैनू की फरमाया सी। फरमाया मैं जाना ही जाना। उन्हें क्या जे इमाम तुसां जाना है ना ते पहले आप सफीर भेज लो। एक सफीर मेरे आका ने भेजिया जिदा नाम हजरत उस्मान गनी है और एक सफीर इमाम हुसैन ने भेजिया जिदा नाम इमाम मुस्लिम बिन अकील है। आपने जनाबे वाली भेजिया हजरात जेड़े वेले जनाबे वाली इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफे दे अंदर पहुंचे। मैं चुके असी पुराने साथियां सिर्फ थोड़ा जि अर्ज करांगे जी थोड़ी रिपीट कटानी है बस बड़ी मेहरबानी इहदी रिपीट कटा दिओ लेकिन आवाज नहीं। हज़रात जिहड़े वेले जनाबे वाली इमाम मुस्लिम बिन नकील जिहड़े वेले कूफे दे अंदर पहुंचे हज़रात दो तीन रवायतां ने 12,000 कूफियां ने आप दे हाथ ते बैत कीता इंज आउंदा जिवें इक आउंदा 18,000 इक आउंदा 15,000 इमाम मुस्लिम बिन नकील दे जनाबे वाली मुरीद हो गए। ए बैत असल दे अंदर मुस्लिम दी नहीं ए बैत दर असल इमाम हुसैन दी ए। इमाम मुस्लिम ने जेड़े वेले कूफियां दा इतना प्यार वेखिया आपने फौरन खत लिखिया हुसैन पाक आका हुसैन तुसी आ जाओ ए आले रसूल ते मर मिटन वाले लोग ने ए नबी दी आल दे नाल प्यार करन वाले लोग ने इधर मेरे इमाम दा खत तुरिया उधर यजीद दे दरबार दे अंदर ए खबर पहुंच गई जनाबे वाली कूफे दा गवर्नर जेड़ा है ओ आले रसूल नाल प्यार करन वाला है इमाम मुस्लिम दे सामने ओले हाथ बन के खलोता रहना किसे ने वुजू करान लगना गवर्नर ने कहना पराया जा इना दी नौकरी मैं देना आवां पंप जनाबे वाली वुजू भी आप कराना खाना भी आप पेश करना ए यजीद नु पैगाम पहुंच गया उन्हें जल्दी जल्दी मजलस से शूरा दे नाल ए मुशावरत कीती की होना चाहिए ओना क्या इनू मजूल कर दे इनू गवर्नरी तो हटा दे वरना तेरा मामला ए खराब कर देगा। यजीद ने आख्या ठीक है इनू गवर्नरी तो हटा दियो जनाबे वाली उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद नू कूफे दा गवर्नर ला दियो उधर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद रात दी तरीकी दे अंदर पहुंच गया जड़े वेले पहुंचिया ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਹੱਥ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਓ ਵਰਨਾ ਗਰਦਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਜੂਦ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪ ਜ਼ੁਹਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਏ ਮਸਜਿਦ ਕਜਾਕਤ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਏ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਮਾਮਤ ਕਰਵਾਈ ਉਧਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਰਦਨਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਮਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਮਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਮਾਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ
हो जाए समझ लेना कूफी आला किरदार अदा करदे पिया जड़ा निमाज पढ़ के इमाम दे नाल हो जाए समझ जाना हुसैनी आला किरदार अदा करदे पिया इमाम ने लिखिया लेकिन कबर आया नहीं इमाम मुस्लिम बिन लकील बार आए 12-14 साल का बच्चा है दौड़िया दौड़िया आया मेरे इमाम दे हाथां नू चुमिया कदमां नू चुमिया आंदा मुस्लिम मैनू नाल रख लो फरमा कादे लई हुजूर सारे दौड़ गए ने मैं नाल रवांगा फरमा तू अजे बच्चा है तू की करेगा आंदा हुजूर तुहानू पता है कूफी आप नू कतल करन दी तैयारी पे करदे ने फरमा जा जा घर चला जा मेरे तो पराए हो जा वो कह लगा हुजूर नहीं मैं आप दे नाल रहना है फरमा काका दे वास्ते रहना है आंदा हुजूर जब तलवार आएगी मैं अगे आ जावांगा परछाई आएगा मैं अगे हो जावांगा फरमाया बचिया तेरी उम्र छोटी है इंज ना कर उन्हें हाथ जोड़े आंदा सही आजादिया मेरी उम्र छोटी है इमाम मुस्लिम नु कहन लगा हुजूर मेरी उम्र छोटी है पर मेरा इश्क ते जवान है हजरत इमाम मुस्लिम बिन लकील चलते जा रहे ने रस्ते दे अंदर एक मकान मकान दे बाहर एक औरत बैठी है औरत ने अनकर के वेखिया आंदी है किधरे मुस्लिम तेरा ना है फरमाया मेरा ना है उठ के खलो गई इमाम मुस्लिम दे सिर ते हाथ रखिया आंदी है वे शहजादिया मैं पुटिया मैं मार ते नहीं सकती लेकिन तेरी इज्जत मर ते सकनिया आपने फरमाया बीबी घर विच कोई मर्द है वे उन्हें क्या जी मेरा बंदा है आपने फरमाया उन्हू जरा बार बुला वो बार आने वाला कौन है जिदा ना हजरत हानी है हजरत हानी नू पता लगा मुस्लिम मेरे दरवाजे ते आए ने हजरत हानी ने दरवाजा खोलिया आखिया मेरी अल्लाह तेरा शुक्र है अज कोई नेकी कम आ गई है अज पाकां दी औलाद मेरे बूए ते आ गई है उधर बैतुल्ला इब्ने ज़ियाद नू पता लगा कि इमाम मुस्लिम बिन नकील हानी दे घर दे अंदर ने उन्हें हानी नू गवर्नर हाउस च बुला लिया उन तवज्जो करया जे जिन्ना दा इश्क पुख्ता हुंदा है उन्हें क्या गल सुन मेरी हानी बुढ़ा आदमी है तू हड्डियां तेरियां जान कोई नहीं ते एवें कोई ओ कम ना करी जिदी वजह तो तू सजा ना झील सके फरमान लगे जेड़ी तू बकवास करनी है कर जेड़ जू तू जो भौंकना है भौंक गवर्नर हाउस च आप खड़े होके पैंदे ने उन्हें क्या तेनू डर नहीं हो सकिया बेईमाना ये सीना एक है एदे च खाना भी एक है आख्या की कहना चाहना है हो सकिया बेईमाना एदे अंदर या गद्दारी रह सकती है या मदीने वाले नाल वफादारी रह सकती है उन्हें क्या गल सुन सिपाही तेरे नाल भेजना जाके मुस्लिम नू मेरे हवाले कर दे तेरी जान बख्श देना ओला क्या मैं लानत भेजना तेरी ये सफर ते मैं लानत भेजना कोई जरूरत नहीं उन्हें क्या सिपाही नाल ले जा उन्हें क्या जब तक मैं जिंदा ए सिपाही मेरे दरवाजे वाल वेख भी नहीं सकते हजरत हानी ने तलवार कढ़ी बुढ़े बंदे ने आखिर किन्ना को लड़ना है लड़दियां लड़दियां आले रसूल दी इज्जत दी खातर इमाम मुस्लिम बिन नकील आप दी इज्जत ते जनाबे वाली हजरत हानी कुर्बान होए जड़े वेले आप शहीद होए उधर जनाबे वाली फौजाए हजरत हानी दे मकान तक पहुंच गईयां जेड़े वेले हजरत हानी दे मकान तक पहुंचिया आके मकान नु घेरे विच ले लिया आवाज़ा मार देन मुस्लिम बार आ जा इमाम
मुसलम ने एवं जनाबे वाली झट भी नहीं लाया, दरवाजा खोलिया आप बाहर आ गए। ये एक अफसर पूछन लगा मुसलम की लहना है, फरमाया बेईमान कोलो कमली वाला ते नौकरा नु बचा के मदीने वाले दा गुलाम बनाना है। उन्हें क्या मुसलम बाद आ जा, ये जो करना पिया ये दा नतीजा पूरा निकलेगा। फरमाया तेनू पता नहीं के गुलामा ने मुहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सारे कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जनाब हजरत हानी नु हजरत मुस्लिम बिन लकील नु कहन लगे मुस्लिम बाद आ जा वरना तैयार हो जा। फरमाया मैं तैयार हां। मुस्लिम बिन लकील ने तलवार कड़ी जनाबे वाली जड़े वेले हुसैन दे सफीर दी तलवार चली है गर्दना गादर ते मूली दी तरह कट के जमीन ते आ रहियां ने। इंज भी आंदा चार सौ बंदा कल्ले मुस्लिम बिन लकील ने मारिया। आखिरकार जालिमा ने बरछे मारे जनाबे वाली तलवारा मारिया जख्मी करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद दरबार विच लाया है। जड़े गल लैके आए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहन लगा तू बाद नहीं आना। पर मैं बेईमाना मैं हुसैन दा नौकर बन के आया, मैं जान पहचान नहीं आया, मैं ते दीन बचान आया ते जान देन आया। हजरात जड़े वेले गवर्नर हाउस दे छत ते लै गए आंदे ने थले वेख। पर मैं बेईमाना थले की वेखा आंदा वेख किन्नी गहराई है उतो सुट के मार देंगे। फिर मैं बेईमाना तेरी गहराई वल देखा आवे मेरा नाना हादे कौशर दा मेरा कमली वाला जाम ला के खड़े। जेड़े वेले जनाबे वाली इतनी बात हुई जालिमा ने इमाम मुस्लिम बिन लकील दी गर्दन लाई, गर्दन ला के आप दे वजूद नु गवर्नर हाउस दे पार टंग दिता गया। ए जनाबे वाली इधर मुस्लिम शहीद होए उधर मेरे इमाम मक्का पाक विचो चले ने। जेड़े वेले इमाम मक्का पाक विचो चले रस्ते दे अंदर एक मकाम आया उथे जनाबे वाली एक शायर दे नाल मेरे इमाम दी मुलाकात हुई। शायर कहन लगा हुजूर मेरे लायक कोई हुक्म होवे। फरमाया कूफे दे हालात सुना। उन्हें क्या लज पाना कोई हालात नहीं मुस्लिम शहीद हो गए ने। मेरे इमाम पैरां दे पार बह गए उथे बैठा इमाम दिया अखां चो आंसू आ गए। इमाम ने पिछा मुड़ के वेखिया मुस्लिम दे लकील दी बेटी इमाम दे नाले आ पुठे मुस्लिम दी तीन लाया। इमाम ने प्यार किया अगो बोल के आंदी है आका हुसैन अज ते इंज पे प्यार कर दियो जिवे किसे यतीम थी दे नाल प्यार किया जांदे। अज ते इंज दा हाथ पे रख दियो जिवे किसे दा बाप टुर जाए ते धीआं दे नाल प्यार किया जांदे। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी मेरा वीर ते तेरा बाप शहीद हो गया। फरमाया बच्चिए कदे अब्बे दी लोड़ पै जाए कदी अब्बा कहण ते दिल करे हुसैन हाजर है हुसैन नु आख लई। उधर जनाबे वाली मुस्लिम बिन लकील दे बच्चे भी शहीद हो गए। मेरे इमाम ने बेटी मुस्लिम दी नु नाल लाया। फरमाया बेटी तेरे बाप दी जगह ते मैं वां तेरा वीर अली अकबर है तेरे वीर आउन मुहम्मद ने
तेरा वीर कसम है, तेरा वीर अली असगर ने फरमा बेटी ईलान सुन ले के मुस्लिम दे बच्चे दुनिया ते नहीं रहे, हुसैन दा वादा है कोई बच्चा बचे या ना बचे पर नाने दा दील ते बचे ही बचे। हजरत ए जनाबे वाली करबला दे सफर दा ए पहला शहीद जिदा नाम इमाम मुस्लिम बिन नकील है, ए शहीद होए, आप दे बच्चे भी शहीद होए। और फिर मेरे इमाम जदों करबला दे मैदान ते पहुंचे, सवारियां अगे नहीं पिया टुर दिया, मेरे इमाम ने फरमाया सवारियां नू टुर दिया नहीं। घर वाले आख्या हुजूर सवारी इस तो अगे क्यों नहीं जांदी, फरमाया एओ ही जगह आ गई जिदी नाने निशानदही फरमाई सी और मेरे बाबा अली ने इत्थे खलो के मेरे वीर हसन नू आख्या सी कि हसन जरा गौर नाल वेख लै इत्थे एक दिन हुसैन लेटेगा, इत्थे ओदी औलाद लेटेगी, इत्थे आले रसूल कुर्बानियां देगी। हजरात सत मुहर्रम नू आले पाक ते पानी बंद कर दिता गया, लेकिन ए साबिर इन्हां पानी नहीं मंगिया। नामी दा दिन ते दसवीं दी रात सारी रात इमाम बह के कुरान पढ़दा रहा। पिछली रात दा टाइम मेरे इमाम ने भैन जैनब दे नाल गल्लां कीतियां, शहादत इमाम हुसैन पाक दी तरफ आ रहा, बड़ी तवज्जो जरा फरमाना। जड़े वेले आपने बह के गल्लां कीतियां हजरात ते पाक बीबी फरमान लगियां, भाई जान की कहना चाहते हो? आखिया भैणा कल दसवीं मुहर्रम है, दस की करेंगी मेरे वास्ते? आखिया वीरा करना की है, तैयारी करके टोरना मेरा कम है, जदों बरछे का के डिग पैन चुक के ले आना तेरा कम है। वीरा तैयार करके खैमिया चो मैं टोर दी रवांगी, जदों शहीद हो के डिग जान मोढ़िया ते उठा के तू लै आवीं। भाई जान दसवीं दा दिन ते चढ़ लैन दियो, जिथे जमाना गल हुसैन दी करेगा उथे जमाना गल जैनब दी भी करेगा। भाई जान बेफिक्र रहना, जे तुसी बाबा अली दी पग दी इज्जत रखोगे ते जैनब मां फातिमा दी चादर दी इज्जत रखे जावे। हजरात एक एक करके कुर्बान होंदे आए, आखिर भी वक्त आया जदो नवासा रसूल सैयद शुहदा इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम आप दी जनाबे वाली वारी आई। पूरी तवज्जो दे नाल जरा दुरूद ओ सलाम पढ़ो। बाबा अब्दुल बलंद सलातो सलाम भाई हजरात जड़े वेले जनाबे वाली मेरे इमाम दा जान दा टाइम आया। थोड़ी देर तुसी जुल बंद रखनी है, नारा नहीं मारना, और अगर किसी नूं काम में तो हूं उठ के चला जाए मैं माफी नाल कहन लगा, लेकिन शहादत पड़ी जाए तो फिर ना उठे आ जाए। इसे मकसद वास्ते महफल सजाई गई, इसे मकसद वास्ते आके तुसी बैठे हो, बड़ी मेहरबानी। गुफ्तो शनीद तो बाद रहना। हजरात जने वेले जनाब मेरे इमाम दी इमाम दे जान दा टाइम आया। मेरे इमाम ने पीछे मुड़ के मदीना पाक वल वेखिया, इधर मेरे इमाम ने वेखिया, उधर पाक बीबी खेमिया विच खलो के वेख रही है, मेरा वीर हुसैन अज मदीना पाक वल वेख रहा है। पाक बीबी नू ख्याल आ गया, मेरा वीर वेंदा यो मेगा के जनाबे वाली अब्बास गया है, हुसैन टुर आए, अली अकबर गया है, हुसैन टुर आए, कासम गए ने, हुसैन टुर आए, और मुहम्मद गए ने, हुसैन टुर आए। पाक बीबी नू ख्याल आया हुण मेरी मेरे वीर दी वारी आई है, कोई टोरन वाला ही नहीं रहा, कोई भेजन वाला ही नहीं रहा। पाक बीबी ने हौली दई खेमिया विचों आवाज मारी, पाई जान जरा खेमिया विच आउणा। जिहड़े वेले मेरे इमाम खेमिया विच गए, पाक बीबी ने इमाम नू बिठा लिया, बिठा के खेमे दे कोने दे विचों एक गठ
गठड़ी लैके आईया उस गठड़ी नू खोलिया पाक बीबी ने विचों कंगा कढ़िया मेरे इमाम दी दाढ़ी नू संवारिया इमाम दिया जुल्फां नू संवारिया आखिया वीरा सारे आनू संवार दारिया हुण मेरी मां जाए दी वारी आई है कोई सवारण आई नहीं रहा पर मैं वीरा बै जा अज संवरेगा हुसैन संवारेगी तेरी भैन मेरे इमाम बैठ गए पाक बीबी ने इमाम दिया दनाबे वाली जुल्फा नू दाड़ी नू भी संवारिया फिर गठड़ी विचों नाना जान दा इमामा कढ़िया कद के इमाम दे सिर ते रखिया हाथ विच मौला अली दी तलवार नू पकड़ाया पकड़ा के पाक बीबी आंदी है पैना संवार के वीरा नू आंदिया ने मेरा वीर बड़ा सोना पिया लग दे जमाने वाले आया अज मेरा हुसैन वेखो किड्डा सोना पिया लग दे जड़े वेले इमाम ने पैर नू संवार दिया वेखिया मेरे इमाम ने सैयदा दे सिर ते हाथ रखिया आखिया पैरा टैम कोई नहीं रह गया जरा बह जा मैं तेरे नाल गल्लां करनिया ने जी जी वे वीरा गल कर ज़ैनब नाले वीर नू वेंदी है नाले अथरू पूजदी है इमाम फरमाया ज़ैनब रोनी क्यों है आखिया वीरा तेरा सबर वेख के नाद करके पई रोनिया वे वीरा पुत्र भी पैनी पति दे भी लाशा पईया ने वीरा दिया भी पईया ने वाह हुसैन ना तेरी जुबान पई डोल दिए ना तेरे कदम पे डोल देने मेरे इमाम ने फरमाया फरमाया सैयदा मेरी जान दा टाइम आ गया है उन्हें चार लम्हे तो बाद मेरी सवारी खाली आ जाएगी तेनू वीर नहीं मिलेगा पैना जद मैं शहीद हो जावा वेखी मेरे तो बाद तेरे सिर दा वाल भी बार ना आवे ते नाने दी शरीयत पैरा तवी जमाने नू दसी मैं किस मां दी बेटियां जमाने नू दसी मेरा बाबा कौन है फरमाया जैन मेरा इम्तिहान मुक्कण वाला है तेरा शुरू होण वाला है पाक बीबी ने अथरू पूंजे हौसले दे नाल सबर दे नाल कहन लगियां वीरा परेशान ना होवीं जमाना तेरे सबर दी मिसाल देगा ज़ैनब दे हौसले दी मिसाल देगा ए गल्लां पईयां होंदियां ने अचानक खेमे दे बारों निक्की निक्की सिसकियां दी आवाज आई औली औली रोण दी आवाज आई इमाम नू ज़ैनब कहन लगियां वीरा वीरा खलो जा जरा चुप करे ना एक आवाज आ रही है एक दी आवाज है पाक बीबी औली औली उठियां खैमे दा पर्दा चुकिया जड़े मेल खैमे दा पर्दा चुकिया मेरे इमाम दी छे साल दी सकीना खैमे दे पास दे नाल टेक ला के बैठी है रो रही है पाक बीबी ज़ैनब कहन लगिया सकीना आके पुप्पी चुप कर जा जड़ियां गल्लां अपने तेरे नाल कीतियां ने ओ मैं सारियां सुन लईयां ने मैं सारियां सुन लईयां ने पुप्पी अम्मा अब्बा जी की बयान दे सन मेरी सवारी जा रही है हुण खाली आ जाएगी मेरे इमाम ने ती दियां गल्लां सुन लईयां मेरा इमाम दौड़िया पुछो उन्हां धीआं नूं जिन्हां दे प्यो टुर जाण कि मैं कोणियां विच कलियां बह के रोंदियां ने
ਦਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਇਮਾਮ ਦੌੜਿਆ, ਆ ਮੇਰੀ ਸਕੀਨਾ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਨੀ ਏ, ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਾਸਮ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ? ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਏ? ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਵੀਰ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪਵਾਂਗੀ? ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸਾਬਰ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਏ, ਸਾਬਿਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਏ। ਬੇਟੀ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਦਾ ਸੀਨਾ ਲਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਧੀਏ ਆ ਜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਧੀ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਜੈਨਾ ਬੁਰਾਇਆ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੀਨਾ ਸੌ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਜ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸਕੀਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਪਿਓ ਪਿਛੜਨ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਪੀ ਅੰਮਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਪਿਛੜਨ ਲੱਗਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਕੀਨਾ ਜਾਣਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਲੈ ਜਾ, ਕੂਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖਣਾ, ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਸਕੀਨਾ ਇੱਧਰ ਖੇਮਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਇੱਧਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਅਜੇ 10 ਕਦਮ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਟੁਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਂਦੀ ਏ ਪੁੱਪੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੁੱਪੀ ਮੇਰਾ
आखिया तेरा अब आखिया बुबी हुसैन दा वास्ता दिनिया इथे खलो जा तू चांदी वार आखरी वार अपना वीर देख ले मालपा देख लवा फिर तेनू वीर नहीं लभना मैनू अब्बा नहीं लभना तिया परदे सिरे बाबल ते पुत्रा लई जगीरा चुप कर रहना ते मुँह कुछ ना कहना ते यारो तिया दिया तकदीरा पुफी आखरी वार तू अपना वीर वेख ले मैं अपना अब्बा वेख ला इमाम चलते जा रहे ने इमाम ने मुड़ के नहीं वेखिया पाक बीबी शकीला कहन लगिया पुफी अम्मा मैनू ए दस जरा अली अकबर गया है किन्ने टोरिए तीए हुसैन टोरिए अम्मा मेरा चाचा अब्बास गया मेरे बाप ने टोरिया है और मोहम्मद गए मेरे बाप ने टोरे पुपी अम्मा उन मेरे अब्बे दी वारी आई है कल्ला ही लगा जांदे मेरा हुसैन तन्हा पे आ जांदे पुपी अम्मा जे इजाजत में ते मैं अब्बे नु टोरावा अब्बा जी नु टोरावा टोर दे अज ती पहली बार बाप ही टोर दी अज पहली हजरत मेरे इमाम जड़े वेले जड़े वेले मेरे इमाम करबला दी सरजमीन ते पहुंचे सरजमीन ते पहुंच के मेरे इमाम ने फरमाया कूफियो ओ यजीदियो पहचान जो मैं कौन है मुख्तसर एक जुमला इमाम ने फरमाया नाना मेरा नबी है बाबा मेरा अली है माँ मेरी जहरा पाक है किसे आख्या हुसैन तकरीरां दा टाइम नहीं जितनी जल्दी हो सकता मैदान में आ पर मैं बेईमानो मैं तकरीर करन नहीं आया पर मैं सिर्फ तुहानू याद करान आया मत क्यामत वाले दिन आखो कि सानू पता नहीं सी कि तू कौन है फरमाया अगर तुसी हुण वी राहे रास्ते आ जाओ और मेरे नाने दे सच्चे और सच्चे गुलाम बन जाओ हुसैन माफ कर दे सारा कुछ तुहानू मैं लजपाल नबी दा लजपाल दोतरा आ जाओ जे सोना है आवाज आई हुसैन तलवारां तेरा इस्तकबाल कर रही बरछे और तीर तेरा इस्तकबाल कर रहे अली दा पुत्र खैमे म्यान चो तलवार कढ़ी जड़े वेले तलवार चलाई फिर सौवां दे हिसाब दे नाल सर जड़े ने मैदान करबला विच बिखरे नजर आए किसे आखिया इनू तनहा ना समझो इहदे खून दे अंदर लुआबे दहन मुस्तफा दा असर है अली शेरे खुदा दा असर है ये अली दा पुत्र है ये इंज नहीं आएगा तुहाडे हाथ विच घेरा पा लो जड़े वेले घेरा पै गया मेरे इमाम ते तीर और तलवारां दी बारिश हो रही है मेरे इमाम ते तीर और तलवारां दी बारिश कीती जा रही है आखिर एक जालम ने इमाम नू जनाबे वाली जड़े वेले बरछा मारिया ते पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने जनाबे वाली जेड़े वेले वीर नू बरछा वजदियां वेखिया आपने जेड़े वेले वीर नू बरछा वजदियां वेखिया पाक बीबी जैनब ने औरतां नू आवाज मारी नी पाक बीबी ओ
उराए आ जाओ। सारिया बीबिया खेमे विच कठिया हो गई। सैयदा दैन अपनी अपनी चादर दे पल्लू दे नाल सारिया बीबिया दे जनाबे वाली चादर बननिया शुरू कीतिया। आखिया मेरे वीर दा इम्तिहान मुक गया है, साडा इम्तिहान शुरू हो गया है। मेरा इमाम चकरा के जड़े मेरे तमील ते आया हुसैन टिकिया। एल करके मेरे इमाम ने जड़े वेले मदीना पाक वल वेखिया पहली बार ज़ैनब खैमिया में तड़प गई। वीर नू वेखिया आखिया नी सकीना जी पुपी जान। फरमाया मेरा बुरका लैके आ। आखिया पुपी अम्मा खैरे। फरमाया मत मेरे वीर नू ख्याल आ जाए वो जेड़ा भी डिगदा रिहा है हुसैन चकदा रिहा है। अली अकबर डिगया अब्बास डिगया कासम डिगे आना मुहम्मद डिगे। आखिया मेरा वीर चुक के ले आया है। आखिया मेरा बुरका ले आओ मेरी माँ जाया डिगया है कोई चुकन आला ही नहीं रहा। मेरा वीर डिगया है कोई चुकन आला ही। वो भैणा नू वीरा नाल प्यार बड़ा होंदे। आखिया मेरा वीर डिगया है कोई चुकन वाला नहीं रहा। आखिया टुर गए सारे हुण वारो वारी हुण हुसैन दी वारी आई। तेरे वेले मेरे इमाम ने एल करके मदीना पाक वल वेखिया। सैयदा ने बुरका ओढ़िया खैमे चो इशारा कीता पाई जान की होया कि अब्बास नहीं रहा की होया कि अली अकबर नहीं रहा। वीरा मैं देना पा रही तेनु चुकाना रही। इमाम ने इशारा कीता ना ना तू पढ़ दे दीवार से इंज बार ना आवी। नाने दी शरीयत दी चादर दागदार ना करी। इतनी जनाब गल होई मेरे इमाम ने इंज करके मदीना पाक वल वेखिया। जख्मी जैन लाबदीन पाक नू पुछिया हुजूर दरा दसो तुहाडे बाबे नू कितने जख्म लगे ने। फरमाया इन्हें मेरे अब्बे दे वजूद ते वाल नहीं सन जितने हुसैन नू जख्म लगे ने इतने वाल। ओ पुछो ना सैयदा नू ओ जिन्ना ने तील दी खातर कुंबा कवाया। 14 अगस्त आन वाली है मुंडे जशन मना देने बाबे कोनिया विच लग के बह के रोंदे ने। मैं पूछिया बाबा क्यों रोंदे हो। ओ लाग्या सियाल भी की दसीए 47 दे अंदर तीने साडे बच्चिया नू को दिता। भैणा दियां इज्जतां गईयां पुत्रां नू लटका दिता गया। मैं क्या जिन्ना पाकिस्तान बनाया वो ते इतना रोंदे ने ते जिन्ना इस्लाम बनाया उन्हां दा की हाल है। एन कर इमाम ने वेख्या जख्मी जख्मा दे नाल चूर इमाम मुस्कुरा पिया। पता जे मुस्कुराया क्यों मदीने दे रात अंदर एक बुरका पोश औरत खलोती एक बुरका पाक खलोती है ते आंदी है ओ मेरे लजपाल वे पुत्रा ओ मेरे लजपाल वे पुत्रा। इमाम ने वेख्या मेरी माँ आ गई है मैं डिगया मेरी माँ आ गई है। पाक सैयदा ने
ਪਾਵਾ ਖੋਲਿਆ ਫਰਮਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਵੇ ਚੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਆ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਏ ਫਰਮਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਚੁੱਕ ਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜੋਨੀ ਸਾਲਾ ਓ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਜਹਨਮ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਔਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਜੋ ਤੂੰ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਉਸ ਪੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੁਸੈਨ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਨਮੂਸ ਤੇ ਹਰਫ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਜਾਮਿਆ ਸ਼ੁਫਤੁਲ ਮਦੀਨਾ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੌਜ ਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਫਟੀਆਂ ਛਟਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਸਗਾਹ ਜਾਮਿਆ ਸ਼ੁਫਤੁਲ ਮਦੀਨਾ